मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना के बूथ बूथ में जाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनकी मदद करें। और एक बात जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। बताऊं देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं, सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए, हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है।
एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ लीजिए। भाइयों बहनों, मोदी और भाजपा को गाली देने से अगर तेलंगाना का भला होता है तो देते रहिए, अगर यहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ती है देते रहिए, ईज ऑफ लिविंग होता है देते रहिए। मोदी और भाजपा को गाली देकर अगर तेलंगाना के किसान समृद्ध होते हैं तो जरूर दीजिए गाली। आज तेलंगाना के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि यहां के हल्दी किसानों को सरकार ने किस हाल छोड़ दिया है। आप इस बात के साक्षी हैं कि यहां विकास के रास्ते में किस तरह लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आज तेलंगाना के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, भाजपा तेलंगाना में पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है, हम मिलकर यहां विकास की नई गाथा लिखेंगे। साथियों, तेलंगाना हैदराबाद मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। 2013 में मैं नव भारत युवा भेरी उसमें शामिल होने आया था, उस वक्त में अपनी पार्टी का पीएम उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिर्फ एक सीएम और प्रचार समिति का प्रमुख था, लेकिन जो स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया, हैदराबाद ने दिया, तेलंगाना ने दिया, वो हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था और मैं कभी आपके उस प्यार को भूल नहीं सकता हूं, और मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाता रहता हूं, लौटाता रहूंगा, विकास करके लौटाता रहूंगा। भाइयों,